लेट हो गया मेरे वजह से। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं और कृतिका जा रहे एक छोटी सी राइड पे, साथ में मेरे सौरभ ब्रो है और आगे है शैलेश भैया जो आप आगे वीडियो में देखोगे। और सौरभ ब्रो का रात को मुझे कॉल आया था कि चलते हैं दूसरे दिन राइड पे, बट सुबह मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं थोड़ा लेट हो गया और सौरभ ब्रो और शैलेश भैया निकल गए थे ऑलरेडी, बट फिर मेरा काम एक डेढ़ घंटे में ख़त्म हो गया तो मैंने इन्हें कॉल डाला और मैंने पूछा कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि हम नागपुर का एक सेमी सर्कल लगा रहे हैं और हमने एक रूट कवर कर लिया, अब हम एक रूट से दूसरे बाईपास रोड रूट से जा रहे हैं और उन्होंने मुझे लोकेशन भेज दिया तो मैंने इन्हें कैचअप कर लिया। तो फाइनली हम निकले हैं इतना डिले होने के बाद जो कि मेरे वजह से हुआ है। और एक चीज़ जो है, मैं लेट हुआ इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सौरभ ब्रो रोड को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा रोड घेर के चला रहे ब्रो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग सौरभ ब्रो के बारे में नहीं जानते, वो एक प्रोफेशनल एक्टर हैं जो सेक्रेट गेम पार्ट 2 में फीचर्ड हुए हैं और उनके और भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो अलाइंड हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा डीले और सब कुछ हुआ है सबके साथ ही, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं। तो सौरभ ब्रो का भी करियर थोड़ा डीले हुआ है लेकिन ठीक है, प्रोजेक्ट्स अलाइंड है और बहुत जल्द हम उन्हें बड़े पर्दे पे देख पाएंगे। जैसे ही शूटिंग कंप्लीट होती है ऑब्वियसली। बिना संगम रुकना है, बिना संगम रुकना है, वो बिना संगम आता है ना शायद रास्ते में। अच्छा आदर्शा, ओके। फाइनली हमको पता चल गया कि हम लोग निकल रहे हैं आदसा के लिए। आदसा एक हिली रीजन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बट रोड अच्छे हैं और एक अच्छा सा टेंपल है। और ये हम पहुंच गए आदसा के घाटियों पे, एक तरफ पहाड़ी एक तरफ खाई। और यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे कपल्स दिख रहे हैं, रास्ते में फ्रेंड ग्रुप दिख रहा है, सब आए हैं, सैटरडे संडे है तो अपना लीजर टाइम लेके। और सौरभ ब्रो सेड कि हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, अब क्यों रुकने वाले हैं, क्या एक्टिविटी करने वाले हैं मुझे कोई आइडिया नहीं, तो जब हम रुकेंगे तब ही हम पता कर पाएंगे कि क्या प्लान चल रहा है दोनों का। और जिस तरीके से खुसुर पुसुर चालू है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यही रुकने वाले हैं, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है अंदर से। अब एक्टिविटी क्या है वो तो वो भी हम रुकने के बाद ही पता कर पाएंगे। ओके, तो हमें यहाँ रुकना है, ठीक है। ये हमने लगा दी है गाड़ी अपनी साइड में और चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है अभी। ओके, तो हम यहाँ पे ना प्लांटेशन करने वाले हैं आम के झाड़ का, बहुत सारी गुठलियाँ लाए हैं शैलेश भैया। और ये जो पहली एक्टिविटी है सावनेर रोड की ऑलरेडी करके आ चुके हैं और अभी हम यहाँ आदसा में लगाने वाले हैं। मेरे को आइडिया नहीं था कि हम पेड़ भी लगा रहे हैं। हम क्या हो वो तो कर लेंगे, वो भी बस एक लगा के दिखा दो कैसे लगाते हैं। हाँ
जाएगी। इस साइड लगाते हम लोग। हाँ अच्छा, ये वाली जमीन है ना वहाँ पे, सीमेंट वगैरह है, बड़ी खतरी है उधर अंदर। मत नहीं अंदर अंदर लगाना है ना, सौ रुपये लाइन से लाइन में पूरा लगा देता है। हाँ बेस्ट, ठीक है ना, हो जाएगा वैसे तो। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड समथिंग ना, हो जाएगा। हाँ लकड़ी वकड़ी देख लेते हैं। सौरभ से हाय। हेलो। अच्छा टूलकिट नहीं है ना? अरे शिट, अरे बहाने काम में आ गया थे। देखते कुछ मिल जाएगा बॉटल छोड़ के। सो वी आर हियर एट आदासा, इसे तो होने से रहा। वहाँ पे लकड़ी वगैरह देखो, हो जाएगा। वो देखो पाइन एप्पल के झाड़, और अंदर लगाओ नाली में लगाओ, उधर में हाँ नाली में लगाओ। पकड़ो, मैं ढूंढती हूँ। लेंस खोला था ना तो ओस भर गए। हाँ पेड़ नहीं तोड़ते, डाली तोड़े तो चलता, पेड़ नहीं तोड़ना गंदी बात। अच्छा पेड़ से पेड़ उगाए। थैंक यू, गिव इट टू मी। देखो पता है ना प्लांटेशन मेरा फेवरेट था। मैं यस आई नो, तेरी आधा आधा दे। दिस इज नॉट फेयर। सो उनकी बात से बीज ले लो दीपक, वो थैली में, वो थैली में। हाँ अच्छा जा, अच्छी मिट्टी देख लो। हाँ, एकदम में अंदर मत जाना, साफ आप दिख जाएगा। यहाँ पे लगा आराम से। तो अब हम वहाँ से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। वहाँ पे हमने रोड के साइड में और थोड़े जंगल के अंदर पेड़ लगा दिए थे। ये आ गया है लेफ्ट टर्न। ये कनेक्ट कर लिया मैंने अपना गोप्रो सौरभ ब्रोस सेड कि यहाँ पे घाटिया है तो आप कैमरा लगाना है तो लगा लो। और सौरभ ब्रो रुके थे तो एक तरफ पहाड़ी है एक तरफ खाई। सौरभ ब्रो इज एंजॉयिंग हिज राइड, हम अपनी राइड एंजॉय कर रहे हैं। यार मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारी ग्रीनरी है, ऐसी जनरली शहर में नहीं देखने मिलती है। और मौसम भी पूरा साथ दे रहा है, धूप एकदम ना के बराबर है, एकदम हल्की हल्की धूप है जिससे गर्मी तो नहीं हो रही है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं नागपुर में। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि ये रोड भी है नागपुर के आउटर में। अब ये सौरभ को राइड करते रहते हैं तो उनको पता है, ही इज़ एन एक्सपीरियंस राइडर आई मस्ट से। बस आई गेस ये घाटियाँ यही ख़त्म हो रही है क्योंकि अब हम आ गए ऊपर और अब दोनों साइड में एक जैसी लैंड आ गई है। बहुत प्यारी ग्रीनरी और बहुत प्यारा खुला वातावरण है। और सौरभ ब्रो इज डूइंग हिज फोटोग्राफी एंड ही इज़ वेरी गुड एट इट, सनसेट के साथ अपनी बाइक की फ़ोटो। ये कुछ क्लिक्स हैं जो उन्होंने ये समय पे ली जो कि एक्चुअल में बहुत औसम है। तो अब हम वहाँ से निकल गए। सौरभ ब्रो सेड कि रास्ते में एक जंगल पड़ने वाला है और हम वो जंगल के अंदर से जाने वाले हैं और वहाँ पे कभी कभी शेर होते हैं और ऐसा बोल के उन्होंने डरा दिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि वो सच्ची में ऐसा बोल रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं क्योंकि ये एक पेंच का ही इलाका है
तो टेक्निकली मैं बिलीव भी कर सकता हूँ। और वो टर्न आ गया जो टर्न में हमें हाँ, तो वो टर्न आ गया है जो टर्न हमें लेना था। और ये तो मुझको चलता फिरता रास्ता दिख रहा है जहाँ से लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है जो कि कच्चा है बट है रास्ता, है लोग जाते हैं। तो आई गेस सौरभ ब्रो बस डरा रहे थे, और इतना भी बुरी हालत नहीं है रोड की। एक चीज़ जो यार मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि आप कमेंट करते हो ठीक है, आप यार प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए जिसकी वजह से कोई डीमोटिवेट हो जाए। 10 कमेंट अच्छे आते हैं, एक दो कमेंट ऐसे आते हैं जिसकी वजह से आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। मानता हूँ आपको वीडियो में कोई चीज़ बुरी लगी है, तो उसको बोलने का भी एक तरीका होता है कि आप अच्छे से बोल सकते हो या फिर कोई सही तरीके से बोल सकते हो, रेदर देन आप आगे वाले का दिमाग ख़राब कर दो। और आपके पॉइंट से आप कुछ नहीं कर रहे हो, बाकी 10 लोगों ने जो कमेंट किए हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं, आप उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो, आपको कुछ बुरा लगता है आप बोलो, मैं बिल्कुल अगले वीडियो में उसे क्लियर करूँगा। कमेंट तो मैं सबके देखता ही हूँ और मैंने कमेंट देख लिया है, ये इसका इंटीमेशन देने के लिए मैं हर उस कमेंट पे लाइक मारता हूँ जो मैंने देख लिया है। तो अगर आपके कमेंट पे लाइक आया है इसका मतलब मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, और मोस्टली हर कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ अपने हर वीडियो में। तो यार जिस तरीके से सौरभ ब्रो ने कहा था, ये तो रोड और उससे भी बेकार है, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सही में जंगल जा रहे हैं हम, अब क्या सही में शेर मिलने वाला है। यहाँ हमारी बाइक स्लिप हुई, वो एन एडवेंचरस रोड, ये फिसलन वाली मिट्टी अच्छी लगती है। अच्छा उससे खुजली होंगी क्या? देखना वो मुंह पे ना लगे, खुजली होती है उससे। अरे बहुत स्लिप होती है ऐसे रोड पे ना, लद्दाख प्रैक्टिस हो गई। तो हुआ ये कि सौरभ ब्रो ने उल्लू बनाया मुझे बहुत गंदा वाला, उन्होंने कहा यहाँ कोई शेरवेर नहीं रहता। वहाँ उनका वो लैंड था जहाँ पे हमने कुछ पेड़ लगाए कॉर्नर्स पे, और अब वहाँ का काम हो गया है तो हम वहाँ से निकल रहे हैं। रात हो गई है, अच्छी खासी रात हो गई है, भयंकर जंगल है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए है मेरे चैनल पे, क्या क्या आप देखना चाहते हो, सो दैट मैं अपने वीडियोस में वो इंक्लूड करूँ। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं सो दैट आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।